जय श्री राम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे भाई। तो 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा का आज मेरा 32वां दिन, और मैं अभी सोलापुर से लगभग 15-20 किलोमीटर आगे, ये गांव कौन सा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन रात को मैं इसी ढाबे पे खाना खाकर, और देखो वो जो खाट पड़ा है वो खाट पे मैंने सोया, और यहाँ से अभी मैं निकल रहा हूँ आगे, कोई ढाबा मिले जहाँ नहाने का अच्छा व्यवस्था हो तो पहले मैं नहाऊँ, उसके बाद फिर मैं अपना यात्रा है जो हैदराबाद की तरफ आगे बढ़ाते हुए निकलूंगा। तो चलो भाई अपन यात्रा अभी करते हैं शुरू, और तलाश करते हैं कहीं नहाने का एक अच्छी जगह, ताकि मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ। गर्मी का मौसम है तो बहुत दिक्कत होता है बिना नहाए ट्रैवल करना। और ऐसे अभी तक का यात्रा में एक दिन ऐसा हुआ था जिस दिन मुझे नहाने को नहीं मिला था, क्योंकि वो ऐसा रास्ता में चला गया था, उस रास्ते में कोई ढाबा ही नहीं मिला। तो जब मैं सोमनाथ से आ रहा था तब मुझे नहाने का जगह मिल गया था। देखो ये पीछे जो जगह है ना, अपन वहीं पे अभी नहाए, और नहाने के बाद देखो मक्का उक्का जो जहां से लाए थे उधर को देने जा रहे, और अभी चल के पूछ लेते ढाबे वाले भैया से, कुछ नाश्ता मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। तो पहले कुछ नाश्ता कर लूँ, और कपड़े मैंने देखो थोड़ी दूर आगे पे सूखने डाल दिए हैं, क्योंकि बैग में गीला गीला कपड़ा डालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यार सुबह सुबह जब आदमी नहा लेना तो मजा ही कुछ और आता है दिन भर चलने में। तो भाई अपना आज तो 21 पूरा हो गया कि अपन को तुरंत नहाने को अच्छा जगह मिल गया, पानी वानी बढ़िया साफ वाफ था। चलो अब भैया से पूछते, इधर कुछ खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। ऑर्डर कर लिए, देखो पराठे आ गए हैं, और अपन अभी पराठे खाते और उसके बाद यहाँ से फिर अपन निकलेंगे। तो अभी समय हो गया है 9, और अब मैं यहाँ इस ढाबे से निकल गया हूँ, और अभी जा रहा हूँ मैं रोड के उस साइड, क्योंकि अपन को हैदराबाद की जो गाड़ियाँ हैं वो उस रोड के उस पार से ही मिलेंगी। नाश्ता वास्ता करके हो गया रेडी, पराठे खा लिए हमने आलू के, और अब देखता हूँ भगवान ने किसको भेजा है लिफ्ट देने के लिए। जिसको बोला होएगा वो तो रोकेगा ही रोकेगा। मुझे लिफ्ट मिल गया है, भैया ने लिफ्ट दिया मुझे, इन्होंने आके गाड़ी खड़ा किया। मैंने इनसे जाकर पूछा, भैया मेरे को आगे तक जाना है, आप ले चलोगे? बोला आ जाओ बैठ जाओ। आपको भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी मदद करी है 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा में। आपका नाम क्या भैया? परशुराम। परशुराम? हाँ भैया का नाम परशुराम है। चलो आप ये महाराष्ट्र से हो भैया? अच्छा, थैंक यू भैया। अपन महाराष्ट्र को छोड़कर कर्नाटक में एंट्री ले लिए हैं, और एंट्री लिए हुए हम लोगों को कम से कम आधा घंटा हो गया, और आप ये जो आप देख कर्नाटक की धरती पे हैं। तो भाई अपन अभी पहुंच गए मन्नाकली, और भैया यहीं से 1.5 किलोमीटर के अंदर इधर राइट साइड जाने वाले हैं, मतलब इनकी गाड़ी यहीं पे खाली होगी, तो मैं यहाँ पे उतर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से हैदराबाद की अपनी जो है सफर आगे तय करेंगे, और यहाँ पे एक ढाबा है तो अपन पहले देखो इस साइड में, और अभी पहले यहाँ चल के अपन खाना वाना खाते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। थैंक यू भैया। अभी समय हो गया 3, और मैं इसी ढाबे में रुका था खाना वाना खाकर, अभी निकला हूँ, और अभी देखता हूँ कोई भैया जाने वाले होंगे तो निकलता हूँ मैं, पूछता हूँ किन्हीं से, क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ 2-3 लगी हैं पीछे में। खाना खाने के बाद, और ये भैया भी बगल में ही खाना खा रहे थे वहाँ बगल वाले होटल में, तो जब इन्होंने गाड़ी निकाला तो मैंने जाके पूछा, भैया मेरे को जाना हैदराबाद तक। इन्होंने बोला कि पहले तो थोड़ा सा असमंजस में पड़े कि कौन है भाई, तो मैंने बताया मैं झारखंड से हूँ, 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा कर रहा हूँ। तो फिर उन्होंने बोला आ जाओ। और ये भैया है नेपाल से, इनका नाम है नारायण, और ये यहाँ पे चलाते हैं ट्रक्स। ये कौन सी कुरियर वाली कंपनी है भैया, कौन सी गाड़ी है ये? श्री श्याम कंपनी है ना? श्री श्याम कंपनी में ये भैया चलाते हैं। भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा यहाँ पिकअप बनता महिंद्रा का? हाँ देखो भाई पिक महिंद्रा पूरा, देखो ये जो है ना महिंद्रा का पूरा प्लांट है यहीं पे, इस
इसका ट्रैक्टर भी यही बनता, देखो बाहर ट्रैक्टर लगा था उधर। अच्छा अच्छा पिकअप बनता है ना। भाई अपन आ गए टोल के पास, टोल के पास अपनी गाड़ी रुकी, पानी वानी पिए, माजा वाजा, उसके बाद अब यहाँ से अब निकल रहे हैं आउटर रिंग रोड पकड़ के। भैया लोग विजयवाड़ा के लिए जाएंगे तो वो 11 नंबर एग्जिट से निकलेंगे, मेरे को जाना है 14 नंबर पे। तो देखते हैं आगे चल के क्या प्लान बनता है हम सबका, फिर आपको अपडेट करते हैं। और ये भाई साहब दोनों हैं नेपाल से, और ये वाले भाई भी वीडियो बनाते हैं। आप वीडियो बनाते हो ना भाई, इंस्टा पे बनाते हो, किस पे बनाते हो? इंस्टा पे, ये इंस्टा का राजा भैया, देख लो इसे। क्या नाम से आईडी है भाई? मुकेश नाम से, मुकेश नाम से आईडी भाई, पूछ लेना। अपन आ गए रिंग रोड पे, भाई साहब को जाना था लेफ्ट साइड से, लेकिन स्पेशल मुझे छोड़ने के लिए ये इस वाले रूट से जा रहे हैं, क्योंकि इनको जाना था 11 नंबर सेक्शन में, और ये 11 नंबर जाते उधर से तो उनको पड़ता, लेकिन मुझे जाना था 14 नंबर में। तो इन्होंने कहा कि नहीं इधर से चलते हैं, आपको पहले 14 नंबर पे छोड़ेंगे, फिर अपन निकलेंगे 11 नंबर पे। तो भाई का दिल देखो यार, मानना पड़ेगा। समय हो गया है, 7 बज गया है, और अभी अपन 14 नंबर इजिप्ट पे पहुंचने ही वाले हैं। थोड़ा दूर और बचा हुआ है, कम से कम करीब 10 किलोमीटर, और नारायण भाई पूरा मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए। मैं पहुंच गया हूँ श्री सेल्लम का जो इजिक्शन है 14 नंबर वहां पे, और ये मुकेश भाई भाई, और ये हमारे नारायण भाई यार, दोनों कमाल के बंदे यार, दोनों नेपाल से हैं, इन्होंने बहुत मदद करी भाई। इन दोनों के वजह से मैं अभी हैदराबाद आ पाया हूँ, नहीं तो अभी मैं पीछे ही रह जाता। चलो तो भाई आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और एकदम जरूर जरूर नारायण भाई का नंबर है, आप भी अपना नंबर मेरे को दे देना, तो व्हाट्सएप में भेज देना, आपसे बात होती रहेगी भाई। चलो भाई फिर मिलेंगे कभी जरूर। ओके भाई, आपकी यात्रा सुखद हो। थैंक यू। मैं पहुंच गया हूँ चिलौट, ये देखो बाहर है यहाँ पे, और देखो यहाँ पे मिले एक बिरिंदर, और ये है मोतिहारी बिहार से। और आज अपन जो है आगे में उस साइड में अपन कैंपिंग करने वाले हैं, अपना बैग यहाँ पे रख दिया है, और अभी जा रहा हूँ खाना खाने, तब तक बिरिंदर भाई जो है मेरा बैग को अभी संभालेंगे। ठीक है बिरिंदर भाई, आते हैं खाना खा के उसके बाद कैंप करेंगे। ये यहाँ पे सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं, और ये लगभग रात को 12 बजे तक अभी ये जगेंगे, तो हम तो एकदम निफिक्र हो गए, कोई टेंशन नहीं, अपना गांव घर का आदमी मिल गया भाई। ठीक है फिर अंदर आते हैं भाई। हाँ देखो यार, अपना कैंप यहीं पे लगा लिए थे, और अब चल रहे हैं अंदर सोने, क्योंकि टाइम हो गया है, रात के बज गए हैं 11। यार मच्छर भी गुजरा अपना कैंप। तो भाई अपन आ गए हैं अब कैंप के अंदर, और निकल डाली मच्छर भी घुस गए हैं इधर। चलो बाय, गुड नाइट।